एक बार की बात है, एक टमाटर रहता था। वो एकदम स्वस्थ, लाल और चमकदार था। वो बहुत ही तंदुरुस्त था और उसके गाल चेरी की तरह लाल थे। सारी सब्जियां टमाटर के गुणों के बारे में बातें कर रहे थे। बैंगन बोला, क्या तुमने टमाटर के गाल देखे हैं? फिर भिंडी ने कहा, वो एकदम चमकीले हैं और देखो वो कितना ताकतवर है। हाँ, सारी महिला टमाटर उसे बहुत पसंद करती होंगी। बैंगन बोला, काश हम भी उसकी तरह होते। भिंडी बोली, जब दो चूहों ने उनकी ये बात सुनी, उन्होंने टमाटर को उठाने का सोचा ताकि उसे आराम से खा सकें। योजना के मुताबिक जब टमाटर सो रहा था, चूहे उसे उठाने के लिए गए। उन्होंने उसे प्यार से अपने बिस्तर पर सोते देखा। टमाटर ने उबासी ली और दोनों चूहे बोले, ओ। एक चूहा बोला, रुको, हम यहाँ करने क्या आए थे और क्या कर रहे हैं? हमें इसे उठाकर ले जाना है। दूसरा चूहा बोला, ये तुम्हारी योजना थी, तुम आगे बढ़ो। अरे ठीक है, मैं इस बिस्तर को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? पहले चूहे ने बोला, तुम क्या कह रहे हो, मैं भी उठा रहा हूँ ना। दूसरा चूहा बोला, अरे तुम इसे उठाने के लिए अपनी पीठ आगे करो। पहले चूहे ने कहा, एक दो तीन उठाओ। दोनों बोले। कई बार कोशिश करने पर आखिर उन्होंने टमाटर को मुश्किल से उठा ही लिया। दोनों पसीने से भीग गए थे और धीरे धीरे टमाटर को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहे थे। वो उसे लेकर आए और उसे बांध दिया। जब टमाटर ने आंखें खोली और अपने हाथ पांव चेन से बंधे देखे, तो वो बहुत डर गया, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। उसने चेन को हिलाया और हटा दिया, फिर उठ भी गया। उसने खिड़की से बाहर अपने दोस्तों को खेलते देखा और सोचा, मुझे इन चूहों को सबक सिखाना है। मैं सबको बुलाऊंगा और इन दोनों पर हमला करने को बोलूंगा। टमाटर ने सीटी बजाई और सारी सब्जियां भागते हुए अंदर आ गईं। उन्होंने चूहों से बचने के लिए योजना बनाई। सब्जियां सीधे चूहों के पास गईं और उनको सर के बल उठा लिया। उन्हें गेंद की तरह हवा में उछाला और घुमाया, जिससे वो डर जाएं। चूहे तो डर से बेहाल थे और सोच रहे थे कि काश उन्होंने टमाटर को अगवा ना किया होता। अब दोनों ये खतरनाक योजना बनाने की सजा भुगत रहे थे।